एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आई एक और न्यू कॉर्पोरेशन ट्यूटोरियल फॉर 2022 जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर, और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है वाजी एंटरटेनमेंट। इस ऑडिशन का नाम है 2022 वाजी ग्लोबल ऑडिशन टूर। इस ऑडिशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि इसका ऑडिशन का पीरियड, ऑडिशन की क्वालिफिकेशन, उसमें क्या क्या कैटेगरी रखी गई है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आप इसका गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और किस तरह से आपको रिक्वायर्ड अटैचमेंट फाइल्स को ऐड करना होगा, किस तरह से फोटोज और वीडियोस को बनाना होगा, उसकी कितनी लेंथ रखनी होगी, कितने मिनट की वीडियोस बनानी होंगी, और साथ ही इसको होने वाला है इसके फर्स्ट और सेकंड राउंड के रूप में, ये दो राउंड में होने वाला है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड राउंड के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, और वो भी रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएं इस 2022 के वाईजी के ग्लोबल ऑडिशन टूर में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं डालू आपको पता चल जाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है, और साथ ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद कीजिए। ये ऑपरेशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइजेस की जरूरत है तो जॉइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल जयड्यू पर आपको के ऑपरेशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑपरेशन के ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको के ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका के ऑप आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके ताकि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से जल्द पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस पर भी, और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ और कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके के पोर्शन का पास करने में और आपके के आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। तो चलिए चलते हैं हम वाईजी एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर, जहाँ पर उन्होंने सभी डिटेल दी हुई है इसके ऑपरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप सर्च में जाइए और वहाँ पर लिखिए वाईजी या वाईजी ऑडिशन। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने कुछ सर्चेज ओपन हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वाईजी ऑडिशन, वाईजी एमएम ऑडिशन और वाईजी एंटरटेनमेंट ऑफिशियल। तो आपको क्लिक करना होगा वाईजी ऑडिशन पर, क्योंकि इसी पे वो अपने आने वाले अपकमिंग के ऑडिशन के अपडेट्स जो होते हैं वहाँ पर डालते जाते हैं। चलिए हम क्लिक कर देते हैं वाईजी ऑडिशन पर। तो देखिए आपके सामने खुल चुका है वाईजी एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट। जो वाईजी एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके उसको क्लिक करके डायरेक्ट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। और साथ ही आपको यहाँ फॉलो का बटन दिख रहा है, इस फॉलो के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले अपकमिंग के ऑडिशन के अपडेट्स जो वाईजी एंटरटेनमेंट में होते हैं वो अपडेट्स आपको मिलते रहें। और देखिए आप जैसे यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी डाल दी है उनके वाईजी ग्लोबल ऑडिशन टूर की सभी डिटेल्स। तो आपको यहाँ वन बाय वन सभी चीज़ें समझाते जाती हूँ कि एप्लीकेशन पीरियड रहेगा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, साथ ही रिजल्ट अनाउंसमेंट भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन पीरियड ऑफ वाईजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन 2022 के बारे में। तो देखिए इसके ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एप्लीकेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है 21 सितंबर वेनसडे से लेकर, और ये चलने वाला है 23 अक्टूबर संडे तक, यानी कि इसी 21 सितंबर से इसका एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, जिस मतलब जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं इस के ऑडिशन के लिए, वो तारीख दी हुई है 23 अक्टूबर संडे तक, यानी कि अभी आपके पास पूरा एक महीना बचा है
एक महीने में दो दिन कम ही है, तो आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर लीजिए स्केप ऑडिशन के लिए और लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्द से जल्द स्केप ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन क्वालिफिकेशन ऑफ वाईजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन 2022 के बारे में। तो देखिए स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो ही आप स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली कंडीशन उन्होंने ये दी हुई है कि एनीवन बॉर्न बिटवीन 2003 टू 2012, यानी कि ऐसे एप्लीकेंट्स जिनका जन्म हुआ हो 2003 से लेकर 2012 के बीच में, यानी कि अगर आपका बर्थ है 2003 या 2012 तो आप इस स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपका बर्थ है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 तो ही आप इस स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रही बात जेंडर की, तो यहाँ पर जेंडर की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों इस स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है नेशनलिटी, नेशनलिटी की कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई लिमिटेशन है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री के हो, इंडिया, कोरिया, जापान, यूएस, कनाडा, कहीं के भी आप हो, आप इसके ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका जन्म हुआ 2003 से लेकर 2012 के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन कैटेगरी ऑफ वाईजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन 2022 के बारे में। तो देखिए अगर आपको वाईजी के इस ग्लोबल ऑडिशन टूर में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तीन कैटेगरी दी हुई हैं। क्या दी गई हैं? वोकल कैटेगरी, रैप कैटेगरी और डांस कैटेगरी। इन तीन कैटेगरी में से आप जिसमें भी बेस्ट हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ये रखी गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी में जिसमें आप बेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा, और याद रखिएगा आप सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड अटैचमेंट फाइल्स ऑफ वाईजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन 2022 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर तीन कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग तरह से प्रिपरेशन करनी है। पहली चीज़ क्या है यहाँ पर? वोकल और रैप कैटेगरी। वोकल और रैप कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है? आपको एक सॉन्ग को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ऐसे प्रिपेयर करिएगा ताकि वो एक मिनट के अंदर अंदर ही, और साथ ही उसमें कोई भी पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है वोकल और रैप कैटेगरी के लिए? आपको एक मिनट तक का सॉन्ग प्रिपेयर करना है या फिर उसके अंदर ही अंदर, यानी कि एक मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के। दूसरी चीज़ ये, अगर आप डांस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक सॉन्ग प्रिपेयर करना है, वो भी एक मिनट के अंदर अंदर और साथ ही म्यूजिक के साथ, क्योंकि बिना म्यूजिक के आप डांस कैसे करेंगे। सो आपको इस तरह से अपने डांस के लिए प्रिपरेशन करना है, और वोकल और रैप कैटेगरी के लिए भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर वाईजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन 2022 के बारे में। तो देखिए अगर आपको इस स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको चार स्टेप्स फॉलो करनी होगी। वो चारों स्टेप ये है कि आपको अगर स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें स्केप ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें एडवांस में क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? स्टेप वन आपको ये करनी होगी कि जो इस गूगल एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको क्लिक कर आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। जिससे आप सेकंड स्टेप क्या रहेगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और फिर उसे सबमिट कर देना होगा पूरा फिल करने के बाद। थर्ड स्टेप आपको ये करनी है कि आपको जब आप जैसे फॉर्म फिल कर देंगे फिर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। ये कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा करीब 1 नवंबर को, ट्यूसडे को, और उन्होंने कहा है कि उसी में वो आपको पहले राउंड के ऑडिशन के जो इंडिविजुअल, यानी कि सबका अलग अलग होगा ऑडिशन, तो उसका शेड्यूल बता दिया जाएगा आपको उस कंफर्मेशन ईमेल में 1 नवंबर को। चौथी से आपको ये फॉलो करनी है कि जो भी आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा आपके ऑडिशन का टाइम और आप किस तरह से स्केप ऑडिशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब चीज़ आपको उस ईमेल में मिल जाएंगी। तो उस ईमेल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किस तरफ से आपको ऑडिशन देना है, किस डेट को देना है, किस की वजह देना है। तो इस तरह से इन चारों स्टेप को फॉलो करते हुए आप अप्लाई कर पाएंगे 2022 के वाईजी के ग्लोबल ऑडिशन टूर के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड ऑडिशन डेट एंड वेन्यू ऑफ वाईजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन सिंगापुर 2022 के बारे में। तो देखिए ये जो गैप ऑडिशन है ये दो राउंड में होने वाला है। इसका जो पहला राउंड होने वाला है वो होगा नवंबर 8 से लेकर 11 नवंबर तक, और इसका जो वेन्यू है वो है ऑर्चर्ड सेंटर मॉल लेवल 10। जो पहला ऑडिशन होने वाला है वो होने वाला है 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक, और होगा कहाँ पर? ऑर्चर्ड सेंट्रल मॉल लेवल 10, जो कि है सिंगापुर में। इसका जो सेकंड राउंड होने वाला है, अगर आप फर्स्ट राउंड पास कर लेंगे तो आपको सेकंड राउंड में भेज दिया जाएगा। तो अगर आप सेकंड राउंड के लिए जाएंगे तो उसका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 25 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। बट इसका जो जगह है, वेन्यू क्या है? ऑर्चर्ड सेंट्रल मॉल लेवल 10। तो मतलब दोनों ऑडिशन जो होने वाले हैं, दोनों कैंप ऑडिशन एक ही जगह होने वाले हैं, जो कि ऑर्चर्ड सेंट्रल मॉल लेवल 10। बट डेट्स अलग अलग हैं,
एक कुछ 10-20 दिन का थोड़ा सा फर्क है सेकंड राउंड में। तो अगर आप फर्स्ट राउंड पास कर लेते हैं तो ही आपको सेकंड राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ईमेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका सेकंड राउंड कितने बजे होने वाला है, कहाँ होने वाला है और कैसे होने वाला है। सारा प्रोसीजर, सारा शेड्यूल आपको उस ईमेल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन इंक्वायरी ऑफ वाजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन सिंगापुर 2022 के बारे में। देखिए, अगर आपको इस वाजी ग्लोबल ऑडिशन टूर इन सिंगापुर के बारे में कोई भी इंक्वायरी लेनी है, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप डायरेक्टली वाजी एंटरटेनमेंट्स की जो रुकी डेवलपमेंट टीम होती है जो इसके लिए बनाई गई है उनको आपको ईमेल भेजना होगा। आप ईमेल किससे भेजना है आपको, आपको audition@ygmail.net करके इन्हें आपको भेजना होगा। और जो भी आपको क्यूरी आती है, कोई भी सवाल है, वो आपको उस ईमेल में लिखना होगा और उन्हें सेंड कर देना होगा। जिस तरह से हम नॉर्मली ईमेल भेजते हैं उसी तरह से आपको ईमेल भेजना है। आप जिस भी ईमेल आईडी से भेजेंगे वो दूसरा आपको किससे भेजना है, आपको भेजना है audition@ygmail.net पर, और उसके बाद आपको जो पूछना है वो सवाल लिखना है और उन्हें जस्ट सेंड कर देना है। तो यही थी सभी इन्फॉर्मेशन इस YG एंटरटेनमेंट के 2022 YG ग्लोबल ऑडिशन टूर इन सिंगापुर के बारे में। होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, K-portion ट्यूटोरियल्स, K-portion टिप्स, लाइफ ऑफ K-pop ट्रेनी एंड आइडल एंड कोर एंटरटेनमेंट वीडियोस लाइक दिस। यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ K-portion ट्यूटोरियल्स एंड ऑल्सो YG ऑडिशन प्लेलिस्ट एंड ऑल्सो 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशंस एंड ट्राई आउट एज मेनी ऑडिशंस एज यू कैन। एंड दोज हु हैव क्यूरीज related to this video, ask me in my comment box. If you liked what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow. Also encourage me to make more updates related to BTS, K-pop, K-portion tutorials, K-portion tips, current and videos like this in the future. Help me to complete 5000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel. JTO. Bye bye. Did anybody out there hear me?